14 सितंबर की न्यूज़ पढ़ते हैं तो ये जो सिलेबस दे रखा है इस सिलेबस को अपन कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई पूरे इंडिया के अंदर अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है, सिर्फ गोवा ऐसा स्टेट है जिसने लागू कर रखा है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, ठीक है। उससे ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या होता है, मतलब कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं उन सबको सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए, उनको एक जैसा लॉज होने चाहिए सबके लिए। नेक्स्ट है जन सूचना पोर्टल। तो ये हाल ही में अभी ऐसा पहले अपनी तरह का पोर्टल राजस्थान ने लॉन्च किया है। इसमें क्या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो भी गवर्नमेंट और जो अथॉरिटीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, RTI के तहत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस। तो अभी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन क्या होते हैं, ये ऐसे लो पावर FM रेडियो स्टेशंस होते हैं जिनकी 10 टू 15 किलोमीटर इनकी रेडिएशन होती है और ये एग्रीकल्चर रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम के रिलेटेड और वेदर फोरकास्ट वगैरह के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ कहाँ है, और लेकिन चैलेंजेस वगैरह क्या, इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने को पता होना चाहिए व्हाट इज़ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। इसके लिए लाइसेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है और इसके लिए रूल्स जो है वो 2006 की एक पॉलिसी है उसके तहत गाइड किए जाते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट सोच रही है, गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। तो जैसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी तरीके से साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने का सोच रही है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको करेगा, ताकि क्या है कि इंडिया के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो साइंटिस्ट है उन सबको मतलब रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके साइंस के मामले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी इन्होंने कुछ डेफिनेशन भी किया है, बाकी अभी ड्राफ्ट है, जब पूरा आएगा तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ग्राउंड वाटर क्राइसिस के ऊपर। तो अभी हाल ही में NGT ने बोला है कि भाई कि एक कमेटी का गठन किया है कि भाई जो इल्लीगल एक्सट्रेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, ठीक है, उसको कम किया जाए। उसको कम करने के लिए क्या, उसको कर्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अगर हम डेटा की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का पूरे विश्व के अंदर, और हमारे पीने के पानी का लगभग 90% और खेती के लिए 60-70% पार्ट जो पानी का आता है वो हम ग्राउंड वाटर से प्राप्त करते हैं, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो ये डेटा अपन आंसर में यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट्स फॉर प्रिलिम्स पे चलते हैं। हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि जो हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ऑन द 14 सितंबर 1949, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 के तहत रखा गया है। हिंदी जो है दुनिया की चौथी लैंग्वेज है। एक चीज़ ध्यान रखनी कि जो हिंदी है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज किया जा सकता है। बेम्बूनॉमिक्स क्या होता है, तो अभी हाल ही में एक मूवमेंट चलाई जा रही है जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी जो है इंडिया की उनको इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि जो डेजर्टिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज है उसको कॉम्बेट किया जा सके। और COP 14 जो कि अभी हाल ही में हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, इसकी समिट हुई थी अभी न्यू दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्विज, स्टैटिक क्विज के ऊपर। तो ट्रैफिक एक वर्ल्ड वाइड ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है जो कि वाइल्ड लाइफ है, मतलब कि जो वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड प्लांट्स है उनकी ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। ये एक जॉइंट प्रोग्राम है WWF और IUCN का, और ये एक NGO की तरह काम करता है, और इसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे नेशनल, इंटरनेशनल कन्वेंशन, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो क्रिएशन है वो 1976 के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 एक नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है यूनाइटेड नेशन का ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, और इसको लॉन्च किया था अर्थ समिट के दौरान
अर्थ समिट कब हुई थी? ये 1992 में हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। और एजेंडा 21 में जो ये 21 है ये 21वीं सदी को दर्शाता है, ना कि 20 पॉइंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन से थ्रेड्स हो सकते हैं? तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं इंडिया में हैं? तो इंडिया के अंदर मेनली 4 हॉटस्पॉट्स आते हैं, हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन एंड सुंडालैंड। ये एक्चुअली तीन ही हैं, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड रीजन, जो कि एक ही पूरा नाम है। और ये निकोबार आइलैंड, अपना अंडमान एंड निकोबार भी इस सुंडालैंड के तहत आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी होती है वो हम हमेशा ध्यान रखें कि जो लोअर लेटिट्यूड्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है देन द हायर लेटिट्यूड्स। और इसी तरह अगर किसी माउंटेन रीजन की बात करें तो जो लोअर एल्टीट्यूड्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी कंपेयर टू हायर एल्टीट्यूड्स। तो ध्यान रखें, यहाँ पे लेटिट्यूड है, यहाँ पे एल्टीट्यूड है। नेक्स्ट चलते हैं क्विज इनसाइट का, और इस पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संकल्प स्कीम, संकल्प स्कीम जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के तहत आती है। और इसके अंदर क्या है कि जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है उसको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए स्कीम निकाली गई थी, और इसको पैसा मिल रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, लेकिन वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, कोई फ्री में नहीं दे रहा। ठीक है, याद रखें इस चीज़ को। नेक्स्ट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ये क्या है, इसको भी आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BS6 भारत स्टेज 6 इमिशन नॉर्म्स हैं, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हैं। और 1 अप्रैल 2020 के बाद जो भी गाड़ियाँ सोल्ड होगी या रजिस्टर्ड होगी, जितने भी व्हीकल्स होंगे उन सब पे कंपलसरी लागू होगा। इसके अंदर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स आते हैं, आर्मी के जो व्हीकल्स है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस स्कीम जो निकाली गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, उसने ये निकाली थी स्कीम, और इसका मेन मकसद ये है कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट है टॉप, उनके अंदर हमें इंडिया के भी इंस्टीट्यूट्स को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाना। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट होंगे उनको कंप्लीट एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाएगी, और इसका जो सिलेक्शन होगा वो एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर 10 गवर्नमेंट और 10 प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उनको सेलेक्ट किया गया है, और जो गवर्नमेंट वाले हैं उनको पैसा मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट वालों को गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग के अंदर आने चाहिए, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट और रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर टॉप 50 में इंस्टीट्यूट आना चाहिए। ग्रीन फील्ड को भी अलाउ कर रहा है, ठीक है, और लेकिन इनको 15 साल का अपना जो प्लान है वो इनको सबमिट करना पड़ेगा। निफा वायरस की बात करें तो ये एक जूनोटिक वायरस है जो ट्रांसमिट होता है वाया कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर डायरेक्टली बिटवीन द पीपल, मतलब पीपल टू पीपल भी स्प्रेड कर सकता है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स में ये पाया जाता है, दोनों में इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और ये केरला में स्प्रेड आउट हुआ था, इसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहा था। और इसके जो होस्ट होते हैं वो होते हैं फ्रूट बैट एंड पिग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये दुनिया में ऐसा पहला ऐसा एजेंडा है जो इंडिया ने पहली बार लेके आया है सामने। इसके अंदर क्या है कि जो इमिशन हो रहा है, ठीक है, उसको कम करना, ताकि जो लगातार शहरों के अंदर जो गर्मी बढ़ रही है उसको कम किया जा सके। ठीक है, इसके अंदर रिसर्च वगैरह को प्रमोट करेंगे, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स होंगे उनके तहत। नेक्स्ट चलते हैं बाबा के क्विज के ऊपर। तो सैल्मोनेला की बात करें तो सैल्मोनेला एक बैक्टीरियल ग्रुप है जो कि बहुत सारी फूडबोर्न डिजीज़ेस का कारण बनता है। और रिसेंटली क्या है कि MDH मसाला के अंदर पाया गया, ये USA के अंदर, इस वजह से ये न्यूज़ में आ रहा है। और WHO ने बोला है कि भाई जो ग्लोबल डायरिया के जो कॉजेज होते हैं उनमें सबसे बड़ा एक कारण ये सैल्मोनेला भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साहिबगंज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, तो साहिबगंज एक जगह है झारखंड के अंदर, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो
एक टर्मिनल बना रहे हैं जिसमें रोड, रेल और रिवर इन तीनों राउट्स को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ताकि क्या है कि जो यहाँ पे लॉजिस्टिक चेन है उसको इम्प्रूव किया जा सके और ईस्टर्न ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो हमारे इंडिया का, उसको कनेक्ट ज़्यादा अच्छे से किया जा सके और नेपाल के लिए भी प्रॉबेबली एक नया राउट खुल सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन सूचना पोर्टल हाल ही में अभी राजस्थान ने निकाला था। इसी के साथ आपका ये न्यूज़ ख़त्म होती है। थैंक यू।